भारतीय जनता पार्टी महानगर इकाई द्वारा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर महानगर के दीनदयाल नगर मंडल के अंतर्गत बेतिहाता स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह के द्वारा संतों को माला एवं पटका पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर सम्मान किया गया, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि गुरु पूर्णिमा का दिन सनातन संस्कृति के गौरव का दिन है। हमारे सनातन परंपरा में गुरु का महत्व सबसे बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सनातन परंपरा में गुरु शिष्य का महत्व है, उसी को एक आधार बनाकर भारत को महान बनाने का जो संकल्प स्वामी विवेकानंद ने लिया था, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए धार्मिक आस्था के केंद्रों को मजबूत कर भारत को एक महान भारत बनाने का मोदी एवं योगी के नेतृत्व में केंद्र व प्रदेश में सरकार चल रही है। इस अवसर पर पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे, वीरेंद्र शाही, अनुप किशोर अग्रवाल, महानगर उपाध्यक्ष रणविजय शाही, मंडल अध्यक्ष सिद्धांतो घोष, आशुतोष पांडे, चंदन शर्मा, कमलेश आजाद, विष्णुकांत शुक्ला, मीडिया प्रभारी चंदन आर्या सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरख पूर्ण न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा, स्वस्ति न इन्द्रो विघ्नसर्वाः, स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति नश्च रक्षो भवदुर्दधातु बृहदस्वाम् प्रत्यक्षसो विश्वेन्नो देवः अवसागवन्निह भद्रं गणैः शृणुयामदेवा भद्रं वसेवा शन्ति देवा उदासो यत्र पिता आकाश विदास मुद्रा यस्मै देवा आदिते पम्ब द्योः शान्तिरङ्गिः सरस्वत इव शान्ति ब्रह्मैव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीयो जगामुर्गः सहस्राक्षाङ्गुलम् मुरुग ग्रामशासनान सनीयीरान जायत विराजो अधिपो सजातो सामानि चकिरेन्द्रो अजायत आज श्री गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। हमारी सनातन परंपरा में गुरु का महत्व बहुत है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि पूरे देश भर में हमारे जितने भी मंडल हैं, उन सभी मंडलों में सभी साधु संत साधक ऐसे विद्वानों का सम्मान का कार्यक्रम हम सब करेंगे। और गोरखपुर महानगर भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने भी तय किया कि अपने महानगर के सभी 10 मंडलों में कार्यक्रम करेंगे। गोरखपुर क्षेत्र में 286 मंडल हैं और आज सभी मंडलों में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सभी मठ मंदिरों में जाकर के इस प्रकार के सम्मान के कार्यक्रम हो रहे हैं। आज हमारे गोरखपुर महानगर में प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी के मंदिर से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और यहाँ पर हम लोगों ने जो साधु संत हैं उनका सम्मान कार्यक्रम किया है। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज का सम्मान कार्यक्रम मंदिर में भी करने वाले हैं और हर जगह पर इस प्रकार के सम्मान के कार्यक्रम हो रहे हैं। क्या कहेंगे आज के बारे में?
मैं यही कहूँगा जिस प्रकार से हमारी सनातन परंपरा में एक गुरु शिष्य का महत्व है और उसी को एक आधार बना करके इस भारत को महान बनाने का जो संकल्प स्वामी विवेकानंद जी ने इस देश के साधकों ने लिया था, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, सनातन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, धार्मिक आस्था के केंद्रों को मजबूत करते हुए भारत को एक महान भारत बनाने का जो संकल्प मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसको उसी को आगे बढ़ाने का संकल्प इस देश के हर युवा को लेना चाहिए।